भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राममूर्ति मिश्रा और महिला के बीच कार पार्किंग का विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। रामपुर निवासी राममूर्ति मिश्रा ने शनिवार रात रामपुर जीआरसी मेस के सामने कार खड़ी की। कार घर के सामने खड़ी थी। इस दौरान युवती अपने घर कार लेकर घुसने लगी, लेकिन बीच रास्ते में कार खड़ी थी जिसे हटाने के लिए उसने पहले तो राममूर्ति मिश्रा को कहा, लेकिन जब उन्होंने अनसुना किया तो लड़की ने कार की हवा निकालने की बात कही। इस पर राममूर्ति मिश्रा भड़क गए। लड़की का आरोप है कि राममूर्ति मिश्रा ने उसे थप्पड़ मारा। कुछ ही देर में दोनों पक्षों से भीड़ जमा हो गई और हाथापाई हुई। सड़क के दोनों तरफ ही वाहनों का लंबा जाम लग गया। काफी देर तक चले इस ड्रामे में पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया। बाद में पीड़ित युवती मामले की शिकायत लेकर गोरखपुर थाने पहुंची। जानकारी के अनुसार जीआरसी मिस के सामने शरद चौहान का घर है। उनके घर उनकी उमदपुर निवासी बेटी मेकअप आर्टिस्ट ख्याति चौहान आई हुई है। ख्याति के पति तन्मय अग्रवाल सेना में मेजर के पद पर है। गुरुवार शाम ख्याति कार से कहीं गई थी। इस दौरान भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राममूर्ति मिश्रा अपने घर के सामने पहुंचे और अपनी कार खड़ी कर फोटोकॉपी की दुकान में जाने लगे। इसी बीच ख्याति कार से वहां पहुंच गई। ख्याति ने गाड़ी हटाने के लिए हॉर्न बजाया तो मिश्रा ने अनसुना किया और आगे बढ़ गया। इस दौरान ख्याति ने मिश्रा से उनकी कार पंचर करने की बात कही। इस हरकत को देखकर मिश्रा उग्र हो गए और उन्होंने आओ देखा न ताओ और ख्याति को तमाचा जड़ दिया। ख्याति का आरोप है कि उसे सरेआम राममूर्ति मिश्रा ने तमाचा जड़ा, इसलिए वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, लेकिन राममूर्ति मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए माफी का सवाल नहीं उठता। ख्याति इस घटना का पूरा वीडियो बनाया और इंटरनेट मीडिया में पोस्ट कर दिया। आरोप है कि ख्याति ने मिश्रा पर पानी फेंक दिया। बीच सड़क हाई प्रोफाइल हंगामा होता देख आसपास से गुजर रहे लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। ख्याति बार बार मिश्रा से माफी मांगने की बात कह रही थी, लेकिन मिश्रा ने भी अपने फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में मिश्रा के समर्थक व परिचित भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद मिश्रा वहां से चले गए। नेताओं के फोन आने लगे। ख्याति के पिता शरद चौहान ने बताया कि उनकी बेटी मेकअप आर्टिस्ट है, वह यहाँ काम के सिलसिले में आती रहती है। उनके अनुसार घटना से वो खुद आहत हैं और उनकी बेटी के साथ राममूर्ति मिश्रा ने दुर्व्यवहार करते हुए तमाचा जड़ा। ख्याति भी थाने में मामला दर्ज करवाने की जिद पर अड़ी रही। फोटो खींचने से क्या होगा? अभी रिकॉर्ड करिए ना, क्या दर्ज नहीं हो रहा। ये चल रहे हैं ना करने के लिए कुछ मैडम? मैडम सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।